आज हम एक खास सफर पर निकलने वाले हैं, बचपन की यादों का सफर। गर्मियों में माँ के हाथों से बनाई गई ठंडी ठंडी शरबत की यादों को ताजा करने के लिए आज हम बना रहे हैं एक रिफ्रेशिंग रूह अफ़ज़ा ड्रिंक। Hola amigos, ¿cómo están? Namaste, मैं हूँ संगीता और आपका स्वागत है पिकांते कुरी से। सेंट्रल अमेरिका से आप तक लेकर आती हूँ भरपूर स्वाद और मजेदार रेसिपीज। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस रिफ्रेशिंग रूह अफ़ज़ा ड्रिंक की रेसिपी। इस ड्रिंक में है सब्जा के बीज, नींबू का चटपटा रस, पुदीना का ताजा स्वाद और बचपन के भाई के साथ की यादें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ग्लास में 2 टेबलस्पून सब्जा या बेसिल सीड भिगोने रख देंगे। इसे भिगोकर कंज्यूम करने के कई फायदे होते हैं। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, स्किन को भी ग्लो करने में मदद करता है। ये रिफ्रेशिंग और न्यूट्रिशन ड्रिंक बनता है। एक ग्लास में 2 टेबलस्पून सब्जा जो भिगोया था वो डाले। आप किस खूबसूरत देश से हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताना, हमें पढ़कर खुशी होगी। और फिर फ्रेश पुदीने के पत्ते डाले, ये तो मेरे बेटे के हाइड्रोपोनिक फार्म से आए हैं। अब यहाँ एक नींबू का स्लाइस डालें, साथ ही साथ चीनी स्वाद अनुसार। आप ये स्किप कर सकते हैं क्योंकि हम रूह अफ़ज़ा भी डाल रहे हैं और वो भी मीठा होता है। आपको और भी समर ड्रिंक्स देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करें या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए। पर हाँ, ये फुल वीडियो देखने के बाद इसे मिक्स कर लें अच्छी तरह। एक नींबू लेकर प्लेटफॉर्म पर रोल कर ले, फिर काट कर इसका रस ग्लास में डालें। मैं यहाँ आधा नींबू यूज कर रही हूँ। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकॉन को भी हिट करना ना भूले। जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। रूह अफ़ज़ा की बॉटल को हिलाकर 2 से 3 टेबलस्पून सिरप डाले। आप कम या ज्यादा रूह अफ़ज़ा की क्वांटिटी डाल सकते हैं, पर ध्यान दें कि ड्रिंक मीठा हो, नहीं तो आपको डांट पड़ेगी जैसे मुझे बचपन में मम्मी से पड़ी थी। शरबत बिल्कुल फीका था, तो आप ये गलती मत करना। कुछ आइस क्यूब्स डालें, मस्त ठंडा ठंडा बनता है। ग्लास को पानी से भरकर अच्छे से मिलाइए और देखिए हमारी बचपन की यादें से भरी ये रिफ्रेशिंग रूह अफ़ज़ा ड्रिंक तैयार है। अब बस इसे ठंडा करके एंजॉय कीजिए और बचपन की यादों को याद करके मुस्कुराइए। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर भी 200 लाइक्स तो बनते हैं, है ना? तो प्लीज़ इस वीडियो पर भी लाइक करना ना भूलिएगा। आप अपने किसी प्यारे फ्रेंड्स किसी के लिए भी कुछ स्पेशल मोमेंट करना चाहते हो तो बस आपने नीचे कमेंट कर दीजिए उनका नाम और आप क्या बोलना चाहते हो, तो मेरी अगले वीडियो में उनके लिए एक ट्रिब्यूट हो जाएगी। अब लेते हैं ड्रिंक का मजा। सच में कुछ यादों को ताजा करने में मजा ही कुछ और है। ये ड्रिंक सिर्फ आपकी प्यास बुझाता नहीं है बल्कि हर सिप में एक नया स्वाद लेकर आता है। सब्जा दाना ठंडक देता है जबकि नींबू एक चटपटा फ्रेशनेस देता है। अब बस आराम से बैठकर इसका स्वाद ले। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हास्ता लुएगो, नमस्ते।